चंद्रयान 3 एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर इंडियन प्राउड फील कर रहा है। ये एक ऐसा मिशन है जिसने इंडिया को दुनिया से 2 कदम आगे लाकर रख दिया है। इंडिया पहला देश है जिसने साउथ पोल में अपने सक्सेस का झंडा गाड़ा है, थैंक्स टू इसरो। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब जानते हो कि ये मिशन क्यों और कब हुआ था। सो मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ टॉपिक पर। देखो, हर किसी चीज़ का 2 पहलू होता है, वैसे ही चंद्रयान 3 का भी 2 पहलू है। पहला है इसका सक्सेस और दूसरा है इसका फेलियर। तो आज हम इसके दूसरे पहलू पर बात करेंगे कि चंद्रयान 3 फेल हो जाता तो क्या होता, और मैं 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और 6th पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। स्पेस मिशन में फेलियर के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल ग्लिचेस, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम या लैंड करने में दिक्कत। चंद्रयान 3 के मामले में फेलियर एक लैंडर में खराबी, नेविगेशन में प्रॉब्लम या लैंड के दौरान होने वाला प्रॉब्लम का रिजल्ट चंद्रयान 3 का फेलियर हो सकता है। चंद्रयान 3 के कई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे मून की लूनर सरफेस का स्टडी करना, मून की कंपोजिशन को एनालाइज करना और वहाँ के अर्थक्वेक के बारे में पता लगाना और अदर एक्सपेरिमेंट करना। मिशन का फेलियर होना हमें वैल्यूएबल डाटा के अपॉर्चुनिटी को खो देने जैसा है, जिससे मून की लैंड ज्योग्राफी और वाटर रिसोर्सेज के जैसे ही और इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो सकती है। स्पेस मिशन सिर्फ एक साइंस के बारे में नहीं है, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर चंद्रयान 3 फेल होता है तो फाइनेंशियल, मैन पावर और सबसे वैल्यूएबल एसेट टाइम का लॉस होगा जो चंद्रयान 3 को बनाने में लगा है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने मंगलयान और चंद्रयान 2 जैसे मिशन करके खुद को वर्ल्ड स्टेज पर स्ट्रॉन्गली खड़ा किया है, लेकिन अगर चंद्रयान 3 फेल होता तो ये इंडिया के रेपुटेशन को ख़राब करता। बट ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये फेलियर स्पेस एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। चंद्रयान 3 अगर फेल होता तो उसके बाद इंटरनेशनल कोलेबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, जिससे दूसरे स्पेस एजेंसीज के साथ कोलेबोरेशन करने से इंडिया को कॉस्ट, रिस्क एंड एक्सपर्टीज शेयर करने में हेल्प मिलता, और इससे होता ये कि फ्यूचर में होने वाला मिशन का सक्सेस रेट बढ़ जाता। कभी कभी फेलियर से इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, और चंद्रयान 3 के फेल होने से इसके डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को ठीक करने में हेल्प मिल सकता है और इसरो को अपने आने वाले मिशन को सुधारने में हेल्प मिल सकता है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल ना होने से डिसअपॉइंटमेंट तो होगा, बट होपफुली रहना जरूरी है, और इतिहास गवाह है कि रुकावटें अक्सर आने वाली जीत की राह बनी है। चंद्रयान 3 का फेलियर साइंटिफिक और रेपुटेशनल चैलेंजेस के साथ आता है। हाउएवर, फेलियर के कारण से हमें कभी भी एक्सप्लोरेशन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि नॉलेज की भूख ही स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में आगे बढ़ाता है। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। तुम्हारा कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। मैं अमन सिंह, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।